निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, पर हिंदू को ये समझना चाहिए कि हिंदू होने का अर्थ क्या होता है। इसलिए सबसे पहली बात ये है कि राष्ट्र तो ये सनातन ही है, राष्ट्र ये भारत है। देश और राष्ट्र में फर्क होता है। देश की व्यवस्था राजनीतिक लोग चलाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, पर राष्ट्र राष्ट्र के नागरिकों से चलता है। इसलिए राष्ट्र के नागरिकों को अपने सनातनी होने का बोध होना चाहिए। हिंदू होने के लक्षण भी तो पता हों, अभी तो वही नहीं पता। इसलिए जब समाज अपने धर्म में विराजमान होगा तो निश्चित रूप से सारी जो हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं कि भारत भूमि जो है वो सुरक्षित रहे और ये हिंदुओं की सनातन भूमि है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत पहले बड़ा विस्तृत था, बहुत सारे एशियाई देश, या चाहे वो अफगानिस्तान हो, बाली, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज वहाँ सरकारें दूसरों की हैं, पर फिर भी वो भारत ही है क्योंकि वहाँ हिंगलाज देवी विराजमान हैं। दूर दराज हमारी शारदा माता, अन्य सारे हमारे देवस्थल विराजमान हैं। तो देश और राष्ट्र की अवधारणा अलग है। मैं सोचती हूँ कि सनातन समाज इस विषय को समझे और इस धरती को, इस संस्कृति संस्कारों को अक्षुण बनाने के लिए अपनी भूमिका को निभाए। खाली राजनीतिक लोगों पर ही निर्भर हो जाने से बात नहीं बनेगी। इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र तो सनातन है और सनातन ऐसा ही रहेगा, लेकिन अभी संकट जनसंख्या की वजह से इस देश में जगह जगह पर खड़ा हो गया है, जिसको हिंदू समाज को गंभीरता से लेना चाहिए। इसकी बड़ी भारी प्रतीक्षा है और बहुत बड़ी आशा भी है। जो जिस तरह सरकार ने बहुत सारे उन मुद्दों को छुआ है जिसके लिए कभी सोचा ही नहीं गया था, जैसे कि पाकिस्तान में या अन्य देशों में फंसे हुए हमारा हिंदू समाज, उसी के लिए एक बिल लाने की कोशिश थी जिसके लिए शाहीन बाग जैसे आंदोलन शुरू हो गए और उसके लिए सरकार को रोकने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें जो ना पार्टी ना किसी समाज के हित की हैं बल्कि वो राष्ट्र के हित की हैं, उन सारी विषयों को लागू करने की आशा श्री नरेंद्र मोदी सरकार से समाज को बहुत गहरे में है। ये देश को जातियों में, धर्मों और मजहबों में इस नागरिकों को देखने का दृष्टिकोण हट जाना चाहिए और सबको एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए।